तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सबसे पहले तो उन्हें कभी भी करेला याद मत करवाना। अंजलि भाभी मैं तो कहता हूँ करेला क्या, कोई भी डाइट फूड उनको याद मत दिलाना। ऐसा कुछ मत दिलाना जो उनको पसंद नहीं है। अंजलि भाभी मेरे हिसाब से ये ट्रीटमेंट ही सही है। देखो अभी डॉक्टर बोल ही रहे, तो अंजलि भाभी अब से आप मेहता सबको डाइट मत करवाइए प्लीज। जो पन खाना है खाने दो। अंजलि प्रजाई वो जी मन से तो खुशी से जो चीज खाओ ना वो तन को लगती है, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर बेमन से आप डाइट फूड भी खाओ ना तो उससे नुकसान हो सकता है। सही बात है। अंजलि भाभी मेहता साहब की सेहत के लिए अब से डाइट फूड को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तारक की सेहत के लिए मैं आज के बाद डाइट फूड का नाम तक नहीं लूंगी। और उन्हें करेला कभी नहीं खिलाऊंगी। बन गया काम, डैड फूड से छुटकारा मिल गया। बारे न्यारे हो गए, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। चलो फाइनली मेहता अंकल को डैड फूड से राहत भी मिल गई और हमारा राज ही रह गया। डॉक्टर लेले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। लेकिन लेकिन वो क्या है कि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और डर भी बहुत अंदर तक उतर चुका है, इसलिए सिर्फ डाइट फूड छोड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल? उनको शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये बोलिए डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कोई तो तूने सुना डॉक्टर साहब? तो क्या कह रहे हैं आप? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं कोई शॉक ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना किसी की नहीं सुनूंगा, बस। देखिए कुछ देर पहले कितने आक्रामक हो गए थे और अभी सब कुछ भूल गए। इनके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अरे कोई असर नहीं पड़ा है। हलो हलो ये वायलेंट हो सकते हैं। अरे इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। और बेटा साहब कंट्रोल बेटा साहब। ओ मैं ठीक हूँ भाई, सॉरी। तारा आप शांत हो जाइए। और आप बाहर क्यों आए? आपको बाहर आने से मना किया था ना? ये भगवान, ये भूत का नाटक तो बहुत भारी पड़ रहा है मुझ पे। फिर उन्होंने सचमुच शॉक ट्रीटमेंट दे दिया तो कहीं सही में मेरा दिमाग संतुलन न हिल जाए। सॉरी मेहता अंकल, मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर शॉक ट्रीटमेंट की बात करेगा। देखिए इनके सामने डाइट का नाम मत लेना, तभी ये नॉर्मल रहेंगे। लेकिन सदमा इतना गहरा है कि करेले का भूत कभी भी बाहर आ सकता है। अगर इन्हें पूरी तरह से ठीक करना है तो लंबी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। इन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में फिर से गड़बड़ हो सकती है। अंजलि भाभी डॉक्टर लेले टॉप मोस्ट साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने जो डायग्नोस किया है उसे और कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर सकता। हो सके उतना जल्दी डिसीजन ले ले। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। सॉरी इन्हें जरा छोड़ दोगे? और इनको? अरे इनको बिल्कुल ठीक है।
इनको कुछ नहीं हुआ है, तुम इनको छोड़ के आओ। मेहता साहब मेरे आने तक कोई गड़बड़ नहीं है, प्रॉमिस। ठीक है, आइए आइए डॉक्टर साहब। अरे इतनी तो गड़बड़ हो चुकी, अब क्या खाक गड़बड़ करूंगा। अब क्या करें तारा? मैंने अब फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं डाइट फूड का नाम तक नहीं लूंगी। और आपको कभी करेला नहीं खिलाऊंगी। ये सब शौक वाला ट्रीटमेंट से तो अच्छा है आप मेहता साहब को उनका मनपसंद खाना खिलाना शुरू कर दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं राशन भाभी अंजलि, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर ऐसा कोई धमाल नहीं करूंगा। हाँ, अगर डाइट फूड ही नहीं खिलाएंगे तो मेहता अंकल आई थिंक एकदम कंट्रोल में रहेंगे, और हॉस्पिटल भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? ये बात सही है। हाँ, और अंजलि भाभी है ना मेहता साहब पे नजर रखने के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मिनट, तारक जब तक घर पर रहेंगे तब तक मेरी नजर उन पर रहेगी ना, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे या फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे तब। नहीं, फिर तो मेहता साहब का 2-3 महीने बाहर जाना कैंसल, आपको घर पर ही रहना पड़ेगा। तो बता ले कैसे पॉसिबल है, मैं नौकरी पेशा आदमी, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना भाई मुझे। हाँ, उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने आपके बॉस से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि जब तक आप ठीक नहीं होते आप घर में आराम कर सकते हैं, वो भी विद सैलरी। देखो, और अगर आपको बाहर जाना ही है तो फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। नहीं, 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 भाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल तो मैं किसी भी कीमत में जाऊंगा ही नहीं। अब मेहता साहब हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं तो दूसरे क्या ट्रीटमेंट करवाएं? आप सबकी अनुमति हो तो मैं एक बात कहूं। अरे कहो माधवी, पूछना क्या है उसमें, बोलो बोलो। मेरे पास एक रास्ता है जिससे मेहता साहब को हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा और भूत भी नहीं आएगा। 2 घंटे में छुटकारा मिल जाएगा उनको। अच्छा? 2 घंटे में? क्या बात है, सिर्फ 2 घंटे में? तो जल्दी बताइए करना क्या होगा। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। मेरी एक पहचान की सीनियर लेडी है जो मेरे से हमेशा अचार पापड़ लेती है, तो एक बार वो चूड़ी वाले बाबा के बारे में बता रहे थे। चूड़ी वाले बाबा? कहा था कि वो चूड़ी वाले बाबा है ना, वो बहुत गुणी है। चूड़ी वाले बाबा? चूड़ी वाले बाबा? भूत प्रेत जीन चुड़ैल डायन सब उतारते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेहता साहब के मन में जो डर बैठा है ना, वो पटक से दूर करेंगे चूड़ी वाले बाबा। बोली, और नई आफत क्या आ गई है मेहता अंकल? ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या बोल रही हो तुम माधवी, चूड़ी वाले बाबा वगैरह ये शोभा देता है क्या हमें? कल को बाहर पता चलेगा ना कि गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसे चूड़ी वाले बाबा आए थे भूत भगाने के लिए, तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ सही बात है मेरे अंकल की। ओहो, और करेले के भूत के बारे में पता चलेगा तो नाक बढ़ जाएगी क्या हमारी? ठीक है, पर क्या गारंटी है कि चूड़ी वाले बाबा ये समस्या का समाधान कर देंगे? अरे ये सब पैसे कमाने के बहाने, वो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड। करेक्ट है? नहीं नहीं, ओहो, वो ऐसे वाले बाबा नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है, एक्चुअली वो समाज सेवा करते हैं, वो कुछ भी फी नहीं लेते। इतना ही नहीं, इनके यहाँ ऐसे केसेस आते हैं तो कहीं ठीक नहीं हो पाते, वो चूड़ी वाले बाबा के पास ठीक हो जाते हैं। चूड़ी वाले बाबा 100% गारंटी देते हैं। देखना, बाबा आने से करेले का भूत ऐसे भाग जाएगा ना
जैसे सूरज की रोशनी पड़ने से अंधेरा भाग जाता है। माधवी भाभी सॉरी टू से, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही है। मेहता साहब का इलाज हमें डॉक्टर से ही कराना चाहिए। डॉक्टर के पास साइंस साइंस। कम ऑन हंस, मुझे पता है तुम डॉक्टर हो तो इन सब में नहीं मानते, पर गांव में आज भी ऐसा होता है। ये बहुत पुरानी प्रथा है और थोड़ा मानने में क्या जाता है हंस? नहीं होता है, होता है, होता है। ऊपर मानो छू की चूड़ी वाले बाबा को बुलाना चाहिए। भरोसे की बोट पर कोई पन समुंदर पार कर सकते हैं। बराबर। मम्मी, absolutely true। मुझे भी लगता है हमें उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहिए। बबीता, तुम इतना educated होकर इन सब बातों पर भरोसा कैसे कर सकता है? अय्यर, कुछ चीजें ना beyond science होती है। For example, fruit पहले आया कि fruit का seed? एलियन है या नहीं है? टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है? आज तक इन सब चीजों का जवाब ना साइंस बिल्कुल नहीं ढूंढ पाया है। हाँ यार। बबीता, बबीता जरा प्रैक्टिकली सोचो। अभी ये कोरोना का बीमारी आया था तो उसको डॉक्टर और साइंस ने ही सॉल्व किया। सही बात है, इसे बाबा ने सॉल्व नहीं किया। हाँ, पर ये कोई वायरस नहीं है ना यार, ये मन में छुपा हुआ भूत है। You know what? I think हमें एक चांस तो लेना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। अगर वो बैंगल वाला बाबा, मतलब वो चूड़ी वाला बाबा, अगर ये मैदा साहब का भूत नहीं निकाल पाया तो हम वही करेंगे जो डॉक्टर लेले ने कहा। हमारे पास वो ऑप्शन तो है ही ना। ट्राई तो करके देखते हैं। अरे बाप रे, एक तरफ डॉक्टर का शॉक ट्रीटमेंट, दूसरी ओर भूत उतारने वाले बाबा। मुझे तो दोनों और फंसना ही फंसना है। अरे देवा, क्या इन्हें क्या आइडिया दे दिया, यहाँ तो हमारा प्लान हम पे ही उल्टा पड़ रहा है। अरे बोली, आप क्या कर रहे हैं, ये करियर के नाटक में तो हम फंसते ही जा रहे हैं। यार मैं क्या कर सकता हूँ, डोंट वरी यार, कुछ ना कुछ सोचते। अच्छा माधवी भाभी, ये चूड़ी वाले बाबा सारी समस्याओं का समाधान करते हैं? अरे माधवी भाभी इतने विश्वास से कह रही है, मतलब चूड़ी वाले बाबा चमत्कारी होंगे ही। आहे, आहे। और मेहता साहब का भूत पक्का उतर जाएगा। बुला बुला बहन को बुला। अरे भूत ही नहीं है, कैसे समझाऊं इन्हें? ठीक है, आने दो चूड़ी वाले बाबा को, देखते वो क्या इलाज करते मेहता साहब का। और मेहता साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल मत घबराना, पूरा गोकुलधाम परिवार आपके साथ है। ठीक है, तो फिर तय है, तारक के इलाज के लिए हम चूड़ी वाले बाबा को ही बुलाएंगे। माधवी भाभी चलिए चूड़ी वाले बाबा से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ। और टप्पू सेना प्लीज आप लोग जरा तारक का ख्याल रखना। हाँ, आप टेंशन मत लो, हम ध्यान रखेंगे। हम अभी चूड़ी वाले बाबा के पास जाकर सब कुछ तय करके आएंगे। लेकिन अभी के अभी बुलाने की क्या जरूरत है, दो तीन दिन के बाद आराम से बुलाते है ना। नहीं, दो तीन दिन के बाद क्यों भाई, आज के आज बुलाओ चूड़ी वाले बाबा को। ए, भूत का इलाज जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, सोसाइटी की इज्जत का सवाल है। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। करे सो आज कर, अरे तुम्हारे लिए दुल्हन लाने की बात नहीं चल रही है, बाबा बुलाने की बात चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम आज ही सब तय करेंगे। तारक आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और आते वक्त ना मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे भी ले आऊंगा। मजा आएगा मानसे जी। ठीक है, तो फिर टप्पू से ना आप लोग तारक को घर ले जाकर उनका ध्यान रखना। हा? हाँ जी आंटी, आप जाइए, आप जाइए, हम लोग तारक अंकल का मस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अंकल। मेहता साहब गर्मा गर्म समोसे खाएंगे। हाँ मजा, चला जाऊंगा। किस मुसीबत में फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे? कह रहे थे सिंपल प्लान है, सिंपल प्लान है, और ये कह के किस गहरी खाई में ढकेल दिया है तुमने मुझे, पता नहीं है तुम्हें? अरे शरीर में भूत है ही नहीं, और भूत भगाने वाले बाबा को बुलाया जा रहा है। वाह, क्या करेगा ये बाबा दो घंटे में, बताओ मुझे।
क्या करेगा ये दो घंटे में? ये बाबा दो घंटे में मेरे शरीर से कौन सा भूत निकालेगा? तुम कह रहे थे डॉक्टर के आते ही खत्म हो जाएगा ये नाटक, खत्म हो जाएगा, पर ये नाटक तो आसमान की तरह अनंत हो गया है, खत्म ही नहीं हो रहा है। सब आपकी गलती है मेहता अंकल, मेरी गलती और नहीं तो क्या? शर्माती है बोलते हुए, मेरी क्या गलती है इसमें? अरे कितनी ओवर एक्टिंग की, इतनी ओवर एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। हाँ मेहता अंकल, और इस तरह से कौन करेले उछालता है? अरे अगर करेले नहीं उछाले होते मैंने तो डॉक्टर चांदनी नहीं भागती, अगर वो नहीं जाती तो सब भेद खुल जाता, भांडा फूट जाता। ये गोली, सारी गलती इस गोली की, अगर ये गोली जासूसी नहीं करता तो नौबत ही नहीं आती। अरे मेहता अंकल ये क्या बोल रहे हो आप? पहले गलती आपकी है, अपना टिफिन पीउन को देके बाहर खाने कौन जाता है? अरे अभी ये सब झगड़ा बंद करो और ये सोचो कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हाँ किसी भी तरह वो चूड़ी वाले बाबा को सोसाइटी में आने से रोकना होगा। ये चूड़ी वाले बाबा को रोकने का एक ही तरीका है, मैं अंजलि और बाकी सबको सब सच बता देता हूँ, टेंशन ही मिट जाएगा। अरे नहीं 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 मेहता अंकल, अब गलती से भी ऐसी गलती मत करना। अगर आपने सच बता दिया तो आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। अरे आप पे क्या, हम पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा। हाँ अब तो ये लड़ाई है, जंग है, हमें जीतना ही होगा। हाँ तो क्या करूं मैं, जब वो चूड़ी वाला बाबा आएगा तो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। कुछ सोचते हैं मेहता अंकल? नहीं भाई नहीं, बहुत सोच लिया तुम लोगों ने, सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया, मैं अपने परम मित्र जेठालाल को फोन करता हूँ, वो जैसा कहेगा वैसा करूंगा। क्या हुआ? जेठालाल का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। मैं चंपक चाचा को फोन लगाता हूँ ना, उनसे तो बात होती होगी जेठालाल की। हेलो कौन बोल रहा है? हाँ चाचा जी मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब कौन? चाचा जी मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज भूल गए? नहीं एक मिनट भाई, तू नक्की कर पहले, तू ये बोल रहा है कि तेरे अंदर का करेला का भूत बोल रहा है? चाचा जी मैं तारक मेहता ही बोल रहा हूँ, तारक मेहता आपकी सोसाइटी में रहने वाला, ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, आपके बेटे जेठालाल का परम मित्र लेखक हूँ, तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ अभी ठीक है, हाँ बोल, मुझे क्यों फोन किया तूने? चाचा जी मुझे जेठालाल से बहुत जरूरी बात करनी है, आप मेरा कांटेक्ट करवा देंगे प्लीज? जेठिया से क्या बात करनी है तूने? मुझे बोल, मैं बोल दूंगा। हाँ नहीं चाचा जी वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो मैं जेठालाल को ही बताऊंगा। नहीं तो आज तो बात नहीं हो पाएगी, कल बात हो पाएगी। क्यों? वो क्या है, वो गोपाल भाई है ना रंग तरंग रिसोर्ट वाले, उन्होंने समुन्दर के बीचों बीच एक नया रिसोर्ट खोला है, तो जेठिया उनके साथ वहाँ गया। ये बात आपको कैसे पता कि वो वहाँ गया? वो समुन्दर के बीचों बीच जाने से पहले जेठिया का थोड़ी देर पहले फोन आया था, तूने 5 मिनट पहले फोन किया होता ना तो तेरी बात हो पाती जेठिया से। अच्छा तो अब उससे बात कब हो पाएगी? कल 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 बात हो पाएगी, रखता हूँ। ठीक है। मैं तो सी था ना कभूत, बुरा फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? हेलो टापू सेना। हाय हाय, आप आ गए? हाँ मैं आ गई। अच्छा तारक एक गुड न्यूज है, चूड़ी वाले बाबा से बात हो गई है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, अरे वाह, चूड़ी वाले बाबा आज शाम को 8:30 बजे आ जाएंगे और बस 2 घंटे में आपके अंदर का भूत निकाल देंगे। चलिए अब हम चलते हैं, चलो फ्रेंड्स। चलो रुको, मैं तुम लोगों के लिए और तारक के लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ, अभी देती हूँ। नहीं 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 नहीं, समोसे नहीं खाने हमें। हाँ हम में से किसी को भी भूख नहीं लगी है। चलो बाय बाय बाय। दोस्तों आपने हर्डल रेस देखी, बाधा दौड़ देखी होगी, खिलाड़ी एक बाधा पार करता है कि दूसरी आ जाती है। मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई है इस वक्त, हर्डल रेस बाधा दौड़, एक बाधा पार करूं उसके पहले दूसरी मुश्किल आ जाती है, इस मुश्किल को पार करूं कि तीसरी अड़चन सामने खड़ी होती है। भाई डाइट फूड की परेशानी थी सबसे पहले, उसके लिए करेले के भूत का नाटक किया तो नौकरी दांव पे लग गई, अब नौकरी से बचूं किस तरह से बचूं सोच ही रहा हूं, कि डॉक्टर चांदनी और ये डॉक्टर चांदनी इससे किसी तरह से बचे तो डॉक्टर लेले आ गए, अब ये डॉक्टर लेले इन्होंने ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दिया है, शॉक ट्रीटमेंट।
अब इसका कोई इलाज है या नहीं नहीं पता, और आ गए ये चूड़ी वाले बाबा जो आने वाले हैं। भाई अब क्या होगा, क्या करेंगे ये चूड़ी वाले बाबा? अरे करेले का भूत कैसे भगाएंगे मुझ में से, जब कोई भूत है ही नहीं। क्या करूंगा मैं, क्या होगा मेरा? टप्पू चना मेरी कोई मदद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या होने वाला है मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन एक के बाद एक मुश्किलें और चने आती जा रही हैं, लेकिन आपके लिए एक के बाद एक आके बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।